नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। गणेश विसर्जन को लेकर यमुना घाटों पर नगर निगम आगरा द्वारा पूरे इंतजाम किए गए। नगर निगम प्रशासन द्वारा यमुना के घाटों पर मूर्ति विसर्जन के लिए बड़े बड़े कुंड बनाए गए, साथ ही पूजा सामग्री के लिए भी अलग से स्थल बनाया गया। वहीं साफ सफाई लाइटिंग को लेकर भी नगर निगम प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। गुरुवार को आगरा में बप्पा के भक्तों ने भगवान श्री गणेश का विसर्जन यमुना घाट पर किया। वहीं नगर निगम द्वारा साफ सफाई लाइटिंग और विसर्जन कुंड जैसे पूरे इंतजाम किए गए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष नगर आयुक्त के निर्देशन नगर निगम द्वारा यह व्यवस्था की गई। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत निगम प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग भी लगाए गए। कुंडों में मूर्ति विसर्जन को लेकर नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को लगाया, साथ ही जीरो वेस्ट को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी के निर्देश अनुसार यमुना नदी में कोई भी गंदगी ना हो, उसको लेकर एक नई पहल भी की गई। विसर्जन कुंडों पर पूजा सामग्री स्थल भी बनाए गए, जिसमें निगम कर्मचारियों द्वारा गणेश प्रतिमाओं की आने वाली हवन व पूजा सामग्री का भी उचित रूप से डिस्पोजल किया गया। नगर निगम के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं को लेकर छत्ता जोन के जोनल इंचार्ज विजय कुमार सिंह ने पत्रकार को जानकारी दी। देखिए, हमारे नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार नगर निगम ने हर वर्ष की भांत इस वर्ष भी यहां पे पूरी व्यवस्था कर रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने दो विशालकाय बड़े बड़े कुंड बनवा रखे हैं और इनका हम लोगों ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग भी कर दी है। यमुना जी में फूल माला मूर्ति विसर्जन आदि ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उचित बैरिकेडिंग कर दी है तथा हमारे आदमी मूर्ति विसर्जन में पब्लिक का सहयोग करते हुए मूर्तियों को विसर्जित करवा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने इसकी इस बार एक विशेष प्रयोग किया है। जीरो वेस्ट को ध्यान में रखते हुए यमुना जी में कोई फूल माला सामग्री माननीय सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के निर्देशानुसार कोई गंदगी याद ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे एक विशेष स्थल बना रखा है, जो हमने दोनों तरफ इसको बनाया है। हम पब्लिक से फूल माला पूजा की सामग्री यहाँ ले लेते हैं, जिसे हमारे आदमी हम लोगों ने अलग अलग ड्रम रखवा रखे इनमें ले जा करके और उचित रूप से उसका डिस्पोजल हम कर देते हैं। यहाँ पे हमारे लगभग 15-17 कर्मचारी 24/7 यानी 2400 घंटे रह रहे हैं और ये लगातार लगभग 10-11 दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। जब तक पूर्णतः मूर्ति विसर्जन नहीं हो जाता है, तब तक दिन और रात्रि में नगर निगम के कर्मचारी रहेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर लाइट की उचित व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं कई हाई मार्स लगी हैं और तथा अस्थायी रूप से भी हाई मार्स लाइटें लगाई गई हैं। पूर्णतः यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था सही है तथा रात्रि में भी किसी भी प्रकार की पब्लिक को कोई भी समस्या नहीं होने दे रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भटनागर के साथ संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।